केरला तो बाद में ये भी खबर। बताइएगा कि निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों की इकट्ठी फीस वसूली के मामले पर भी करारदाद जमा कराई गई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो करारदाद है ये नून लीग की ही सादिया तैमूर है, उनकी जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया है पंजाब के प्राइवेट तलीमी इदारे अदालती फैसलों पर अमल ना करके नासिर तुहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत भी अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। यही वजह है कि तमाम प्राइवेट तलीमी इदारों ने मौसम गर्मा की छुट्टियों में 3 माह की यकमुश्त फीसें वसूल करनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से बच्चों के वालदैन इंतहाई परेशान है। प्राइवेट तलीमी इदारों की फीस भी इस कदर ज्यादा है कि आम आदमी इस महंगाई के दौर में 1 माह की फीस भी मुश्किल से अदा करता है, 3 माह की फीस वालदैन कैसे अदा करेंगे, जबकि अदालत का ये फैसला है कि कोई भी तलीमी इदारा ख्वा वो प्राइवेट हो या सरकारी 3 माह की इकट्ठी फीस वसूल नहीं कर सकता। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद कराते हुए तमाम प्राइवेट तलीमी इदारों को 3 माह की इकट्ठी फीस वसूल करने से रोके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा।